अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम। फैराडे ने विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से संबंधित दो नियम दिया। पहला नियम, जब किसी चालक कंडक्टर या चुम्बकीय क्षेत्र जब किसी चालक कंडक्टर व चुम्बकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड की मध्य सापेक्ष गति होती है तो चालक में विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। तो फैराडे ने अपने पहले नियम में बताया कि जब किसी चालक व चुम्बकीय क्षेत्र के बीच सापेक्ष गति होती है तो चालक में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। अब कितना उत्पन्न हो रहा है यह दूसरे नियम में बताया। तो चलिए देखते हैं दूसरा नियम क्या है। इस नियम के अनुसार प्रेरित विद्युत वाहक बल EMF, जिसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल चालक में होने वाली चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन के दर के समानुपाती होता है। फैराडे का द्वितीय नियम है, प्रेरित विद्युत वाहक बल चालक में होने वाली चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन के दर के समानुपाती होता है। चालक में यदि T1 समय में ∅1 फ्लक्स काट रहे हो तथा T2 समय में ∅2 फ्लक्स काट रहे हो तो प्रेरित विद्युत वाहक बल EMF इक्वल टू ∅2 - ∅1 अपॉन T2 - T1। तो EMF इक्वल टू d∅/dt। EMF का मात्रक होता है वोल्ट। यदि चालक की संख्या n हो, यदि नंबर ऑफ टर्न n हो तो EMF जो होगा वो बराबर होगा -n d∅/dt के। तो द्वितीय नियम का जो है समीकरण है EMF इक्वल टू -n d∅/dt। तो फैराडे का जो दूसरा नियम है लेंज के नियम के बिना अधूरा माना जाता है। तो हम जान लेते हैं कि लेंज का नियम क्या होता है। लेंज का नियम जब किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है तो वह उस कारण का विरोध करता है जहां से वह स्वयं उत्पन्न होता है। तो एक तरह से एक ट्रिक है इसका याद करने का लेंज के नियम को। लेंज का नियम कि जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है, ये सबसे अच्छा तरीका है लेंज के नियम को याद करने का। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।